हे एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब और यार आज के इस वीडियो में फाइनली आ चुका है हमारा मच अवेटेड पल्स व्लॉग। व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा कि यार इसको दो पार्ट्स में कर लेते, तो जो पार्ट वन है वो अभी आ रहा है और इसके जस्ट कुछ दिनों बाद ही, दो तीन दिन बाद हम पार्ट टू भी रिलीज़ कर देंगे। तो यार व्लॉग देखना पूरा, हमने एडिट वगैरह सब कुछ कर लिया है। उससे पहले कि हम व्लॉग स्टार्ट करें, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि यार आप अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और मेरे को पता है अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे होंगे, उसका कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है आपको। जैसे कि मान लो कि बहुत सारे फॉर्मूलेज है, फिजिकल केमिस्ट्री में हो गया या फिर फिजिक्स में हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस क्वेश्चन में उसको कैसे अप्लाई करें। बायो में इतनी सारी चीज़ें याद करने को है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि उसमें क्या करना है, तो यार उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो यार ऐसा ही एक ऐप है, मेमोनीट ऐप। तो यार मेमोनीट ऐप पे है 30,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि लिए गए हमारे बायोलॉजी एनसीईआरटी में से, और यार यहाँ पे हर एक एनसीईआरटी की लाइन, हर एक एनसीईआरटी का वो डायग्राम, हर एक पॉइंट्स टू पॉन्डर, हर एक लेबल से लेकर के पूरा समरी में से भी इवन क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। डायग्राम की लेबलिंग सब में से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर हम कई बार भी जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, 7-8 बार 10 बार भी अगर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, तो भी आपने देखा होगा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी यार, कि हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, ठीक है। तो यार इसी चीज से बचने के लिए मेमोनीट ने एक अपना बहुत ही एक्सेप्शनल एक रिविजन एल्गोरिदम तैयार किया है। तो यार ये जो रिविजन एल्गोरिदम है, ये क्या करता है, आपको बार बार उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता है जिनकी आपकी टेंडेंसी है रॉन्ग करने की, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, वो जो क्वेश्चन है वो आपका एकदम मान लो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लेकर के एकदम लॉन्ग टर्म या परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाता है। तो उस पर ऐसे अलग अलग लेवल्स होते हैं मेमोरी के, ठीक है। तो ये पूरा रिविजन एल्गोरिदम आपको सिर्फ इस काम के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया। तो यार नीट 2022 में, जैसा कि आपको पता है, हाल ही में कंडक्ट हुआ है नीट 2022, तो यार उसमें से बायो वाले सेक्शन में आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 96 क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी ऐप से उठकर आए थे, इसी ऐप के क्वेश्चंस में से आए थे, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट यार अगर आप केमिस्ट्री सेक्शन देखोगे तो उसमें भी 42 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 डायरेक्टली इसी ऐप में से आए थे। उन्होंने इस चीज़ की पूरी एनालिसिस करके ये प्रूफ उनके ऐप पे रिलीज कर रखा है, ठीक है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं यार, केमिस्ट्री के लिए 2 एडिशनल सेक्शंस भी इसमें ऐड किए गए हैं। एक हो गया तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जिसपे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जिसमें आपको पता है यार नेम रिएक्शंस जो होती है, जिन रिएक्शंस की कुछ खास साइंटिस्ट पे बेस्ड नेम होती है, वहाँ पे नेम रिएक्शंस की अलग ही इंपॉर्टेंस होती है, आपको पता है। तो यार इन दो स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए अलग ही एक सेक्शन बनाया गया जहाँ पे, तो यार इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे एम्फोसिस किया गया। पहला पॉइंट ये है कि यार जैसा कि आपको पता है ये इंफॉर्मेशन बहुत वोलाटाइल होती है, बहुत इजीली हम जो है भूल सकते, इसलिए इसको फ्लैश कार्ड के वे में प्रेजेंट किया गया, ताकि आप उसको फ्लैश कार्ड की तरह बार बार रिविजन करके उसको फटाफट उसको याद कर सको, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको पता है कि यार फॉर्मूला कई बार याद रह जाता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि यार उस फॉर्मूले को या फिर उस नेम रिएक्शन को किसके साथ एसोसिएट करना है। यानी आपको मान लो नेम याद है, रिएक्शन याद नहीं, या फिर आपको रिएक्शन पता है, पूरा रिएक्शन आपको याद है, बट आपको नेम पता नहीं कि भाई ये कौन से रिएक्शन में, ठीक है। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए यार मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस बनाए गए कि हाँ यार फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट में जो कौन सा फॉर्मूला किस चीज के लिए अप्लाई होता है उसके लिए मैच द फॉलोइंग, और कौन सा जो नेम रिएक्शन है वो कौन से रिएक्शन के साथ उसका नेम एसोसिएटेड है उस चीज के लिए भी मैच द फॉलोइंग। लास्टली यार यहाँ पे फॉर्मूला और रिएक्शंस के लिए जंबल्ड वर्ड्स वाला भी क्वेश्चंस जो है बनाए गए। इससे क्या होगा यार, आपकी जो पूरी लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव और फन हो जाएगी। तो डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस ऐप के थ्रू पढ़ने में। यार ऐसा ही कुछ सेक्शंस आपको फिजिक्स के लिए भी मिल जाएगा। आप फिजिक्स के फॉर्मूलेज याद कीजिए, उसके बाद दूसरे सेक्शन में आके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और सिर्फ यही नहीं यार, फिजिक्स के सेक्शन में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके लिए, ताकि आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से और एकदम सही तरीके से समझ सको। तो यार मेमोनीट चार्ज करती है सिर्फ 2600 फॉर दी बायो प्लस केमिस्ट्री सब्सक्रिप्शन, एक्चुअली 2599 चार्ज करते हो, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो यार SOYEB300 SOYEB300, तो आपको ये मिलेगा सिर्फ 2299, यानी कि आपको 300 रुपीज़ का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप पूरा लिंक जो है चेकआउट कर सकते हैं।
We'll be right back.
तो 10 साल पहले एक गाना लिखा था हिंदुस्तानी लड़कियों के ऊपर, तो यार दैट वॉज ऑल फॉर द व्लॉग। और यार ये जो व्लॉग है ये कंटिन्यू होगी पार्ट टू में, तो वो आप अगले व्लॉग में देख सकते हो डेफिनेटली। और हाँ यार, सिर्फ यही नहीं, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो या फिर अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो। उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं हर रोज़, अब मैंने एक जो है चीज़ निकाली कि मैं हर रोज़ उसमें 10 questions फ्री ऑफ कॉस्ट, बस ऐसे कुछ नहीं, 10 questions जो है हमेशा मैं डालता हूँ जो बेस्ट ऑफ द questions होते हैं, ठीक है। तो जितने भी questions मेरे को लगते जो बहुत अच्छे questions थे जो मेरे मॉड्यूल्स में या जो मैंने बुक सॉल्व की उसमें मैंने जो स्टार मार्क कर रखे थे, तो मैं जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो मैं क्या करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल देता हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।